Problem solving in the classroom. Problem solving that is a teaching strategy that we can use in the classroom. And uh, students generally, you know, they are used to lecture method, discussion method, and some other strategies. So, problem solving is uh, usually considered that it is uh, used to, you know, uh, just produce new knowledge and uh, it is used to just uh, give the students the skill. Uh, to be involved in and to get new solutions by thinking by themselves or by uh, working in a group and uh, to learn the collaboration, and uh, they will just conclude uh, any situation, any event uh, by working together. So, problem solving jo situation in classroom, mein teacher bhi ek topic ko problem solution. Bhi टॉपिक जो है वो क्लास में इंट्रोड्यूस कराया जाए और स्टूडेंट से कहा जाए कि यू शुड गिव मी द सोलूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम जैसे हम कहते हैं कि अभी पोल्यूशन है तो पोल्यूशन के बारे में हम स्टूडेंट से पूछते हैं आप बता सकते हैं कि हम अपनी कितनी टाइप की पोल्यूशन होती है और हम इसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं या उनको कहा जाता है कि पोल्यूशन के ऊपर एक मॉडल बना के लाएँ या पोल्यूशन के ऊपर जो है एक प्रोजेक्ट जो है ये है कि आप मुख्तु किस्म की पोल्यूशन जो है उसको एक तो शो भी करें साथ उसके सोलूशंस भी लिख के लाएँ तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों को देना जिसमें वो अपना नॉलेज प्रोड्यूस करें चाहे इंडिविजुअल नॉलेज प्रोड्यूस करें चाहे ग्रुप में काम करके प्रोड्यूस करें तो कोलेबरेटिव वर्क भी इसमें इंक्लूड है और उसके बाद इंडिविजुअल वर्क भी हम इंक्लूड करते हैं सो दिस इज़ यू नो वेरी गुड इट स्ट्रैटजी बिकॉज़ सारी जिंदगी में प्रॉब्लम सोलूशन जो है अगर आप ये वाली टेक्निक बच्चों को प्रॉपरली लॉजिक के साथ सिखाएँ तो ज़िंदगी में बाकी मसाइल से निकलने के लिए भी लॉजिकल स्किल्स को यूज़ करेंगे ऐसे घबरा नहीं जाएंगे किसी प्रॉब्लम की वजह से और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो उनकी कम करके आप उनको इंडिपेंडेंट काम करने का अधीगर बनाएं कि तो आप खुद इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ के लाएं तो ये हैबिट्स और ये स्किल्स जो हैं जब बच्चों में आ, हम डेवलप करते हैं तो फिर उस उनके लिए बाकी ज़िंदगी के लिए एक पूरी जो है उनकी ट्रेनिंग हो जाती है सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द क्लास रूम आर टीचर शुड यू नो

एक प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली क्लास में जो है वो रन कर सकते हैं जब स्टूडेंट्स को रेनफोर्समेंट भी मिलेगी तो वो उस पर और ज़्यादा अपनी इनपुट जो है वो शो करेंगे